के उत्तर में कुछ कहता हूं, चूंकि ये जाना गया है कि आत्मा, मन तो चंचल है, चलायमान है, आत्मा और हृदय, हृदय को दूसरी आत्मा भी कहा जा सकता है, हृदय रोकता है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। जब प्रशंसा की बात आती है तो डर लगता है कि कहीं प्रशंसा के प्रत्युत्तर में किसी को अहम ना आ जाए, क्योंकि जानता हूं आप योगी हैं, योगियों के लिए कहा गया है स्वर्णे लोष्टे पंके सुस्मित चंदने संभावनस्य सा योगी उच्चते, जिसके एक हाथ में सोना, एक हाथ में लोहा रख दिया जाए, एक हाथ में चंदन और एक हाथ में आग रख दी जाए, उसे भी समान भावना से देखे वही तो योगी है। फिर मन हमारा चंचल होते हुए भी हमें इंगित करता है कि जिता काम अहमत मन माही, काम को जीत लिया और अहम आ गया, काम को जीता अहम आ गया नारद जी ने, और उन्हें उस अहम में आकर क्या क्या स्वरूप बनाना पड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि यह बाण प्रत्युत्तर हो गया हो, राजा जनक की समाज क्या कहेगी, क्या प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि और बलि का पुत्र यह बाण असिस्त हो गया, नहीं। एक दूसरा माध्यम होता है कि अन्य के माध्यम से प्रशंसा कर दी जाए तो अहम नहीं आएगा। कहा गया है मधुरमा यदि कंठ में न होती, मधुरमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती, योगी वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छलती, या यूं कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान। एक भूमि से प्राप्त की गई बेटी का इतना विशाल स्वयंवर इस समाज में, जिस समाज में यदि पता लग जाए कि गर्भ में पुत्री पल रही है किसी यंत्र के द्वारा, तो गर्भ में भी में ही हत्या करवा देते हैं लोग। एक दूसरे की पुत्री का, अर्थात भूमि की पुत्री का इतना भव्य स्वयंवर, धन है आप राजा जनक, धन है आप राजा जनक। मैं क्या प्रशंसा करूं, मैं क्या प्रशंसा करूं, मैं आपके सहयोग हेतु आया हूं, पुत्री का विवाह है। तो एक और जानना चाहता हूं, कितना समय हो गया? 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। तब तो निश्चित हृदय में व्याकुलता आएगी। यदि किसी पिता के यहाँ बारात आए या बारात आने में विलंब हो जाए तो धड़कने बढ़ जाती हैं, बारात आने में विलंब हो जाए धड़कने बढ़ जाती है, यहाँ इतना समय हो गया। अब एक समाज के द्वारा प्रश्न उठ सकता है कि इतना समय कैसे हो गया। एक नया चिंतन देना चाहता हूं, इतना समय होने का मुख्य कारण यह है कि राजा जनक के यहाँ सुधन्वा नाम का दैत्य आया था, उसने अजगर को मांगा और इनकी पुत्री सीता को मांगा था। राजा जनक स्वाभिमानी, ऐसे कैसे अपनी, कोई भी पिता अपनी पुत्री को यूं ही नहीं दे देता है। पिता जब भी वर का वरण करता है उत्तम कुल देखता है और उत्तम वर देखता है, और जब जब पुत्रियां पिता के दिशा निर्देश पर विवाह करती हैं तब तब सुखी रहती हैं, और पूरा भार पिता के कंधों पर बुढ़ापे तक रहता है। और यदि पुत्रियां पिता और माता और अपने अग्रजों का कहना नहीं मानती हैं, उनका हश्र क्या होता है समाज जानता, 35-35 टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं यदि पुत्रियों ने पिता का कहना, अपने परिवार का कहना नहीं माना है। और जब सुधन्वा ने आकर इनसे कहा तो इनका युद्ध हुआ, सुधन्वा से एक लंबे समय तक युद्ध हुआ, उस युद्ध में सुधन्वा नाम का दैत्य मारा गया। मारने के पश्चात
राजा जनक ने अपने छोटे भाई कुश ध्वज को संकासर नगरी का राजा बनाया। राजा बनाने के बाद पुनः इस विधि में आ गए। चलिए हम आपके सहयोग हेतु आए हैं, जाएं आप अपना अन्य कार्यभार देखें, मेरे लिए जो भी निर्देश हो मुझे आदेशित करें। मिथिला के कुशल प्रहरी जैसी आपकी आज्ञा महाराज की जीवन की जय जयकार हो। मिथिला के प्रथम द्वार पर श्री रावण जी का आगमन मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है। सौर शिखर विप्र वंश अवतन से कंचन नगरी के सम्राट विश्व के वैभवशाली श्री दशानन जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। जय जय श्री भोलेनाथ की। स्वीकार करें मेरा वंदन, स्वीकारे मेरा चलो वंदन, स्वीकार करें। यहाँ तो इतनी ही गंगा बह रही है, कह रहे हैं दर्शन से सुख पाता हूं। रावण का यदि कोई दर्शन करे और सुख पाए, लेकिन योगी है, अगर अतिथियों का कोई सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से। गुरु बंधु का यदि कोई सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से। आए हुए आगंतुक का यदि कोई सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे विदेह जनक से। अरे सुच सत्य प्रेम के तुम निर्मल सुस्थिर शांत प्रवाह, पावन प्रोज्वल प्रेम जलधि तुम नव निस्मीन आवाह। रवि रस्म जलित दीपित तुम स्वर्ण शिखिर मानवता के, महा शिखिर मानवता के, महा शिखर मानवता के। जाए आप देखें राज्य के अन्न कार्यभार मैं बढ़ रहा हूँ। भगवान भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक है, हे अजगर प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आपको इस स्थिति में देखकर सोचने पर विवश हूं कि विश्व में जब जब कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो समस्या का समाधान केवल और केवल दो माध्यम से, या तो शास्त्र के माध्यम से और या तो शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण मनीष विद्वान इन योगों ने जब जब समस्या का निदान ढूंढा तो शास्त्र के माध्यम से, क्षत्रिय वीर बलवान इन्होंने जब जब समस्या का निदान ढूंढा तो शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण शास्त्र को न माने
ठीक शास्त्र के अनुसार न चले तो भी ठीक, लेकिन यदि वो अपने शास्त्रों की हो ही जाएगा तो उसके ब्रह्मत्व पर प्रश्न खड़ा होगा, उसके विद्वान होने पर प्रश्न खड़ा होगा, उसके मनीष होने पर प्रश्न खड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र का पूजन न करे कोई बात नहीं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करे तो भी ठीक, लेकिन यदि अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करवाएगा तो उसके क्षत्रित्व पर प्रश्न खड़ा होगा, उसके वीरत्व पर प्रश्न खड़ा होगा। अब तो मैं कहने पर विवश हूं कि ये रहनुमा जितने थे सब शिकारी मिले और ये आस्तीनों में एक ये कटारी मिले, ये मूर्तियां मंदिरों में सिसकती रही, लूटने वाले सारे पुजारी मिले, ये राजनेता बने, ये बन गई कोठिया, ये देश प्रेमी हमेशा भिखारी मिले, ये सिस्कियां भी लगा दी गई दांव पर, ऐसे ऐसे जगत में जुआरी मिले, ऐसे ऐसे जगत में जुआरी मिले। मिथिला में कैकसी नंदन विश्वसर्वा के पुत्र लंकाधिपति, लंकाधिपति नहीं लंका के भगवान, राक्षसों के भगवान दशानन दस ग्रीव दस कंधर रावण जी का आगमन हो चुका है। आज ये लंका, आज ये मिथिला, अब तक मिथिला ज्ञानियों और ध्यानियों की नगरी रही है, अब वीरों की भी नगरी हो गई है, क्योंकि रावण बाण महाभट, महाभट कोटि के योद्धा है। रावण जी का आगमन हुआ, आगमन होने के पश्चात राजा जनक को अन्य कार्यों के लिए भेज देना, भेजने के पश्चात उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये कहा की नहीं दिया। अरे किसी के यहां जाओ, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है उसके मांगलिक काल में बाधा डालो, किसी दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार उसको है जिसका स्वयं का चरित्र अच्छा हो, जिस किसी दूसरे के शासन प्रशासन पर उंगली उठाने का अधिकार उसको है जिसका स्वयं का शासन प्रशासन अच्छा हो, जिनके शासन प्रशासन में बाढ़े खल बहुचोर ज्वारा जे लंपट परधन पदर, जिनके यहाँ चोर जुआरी पराई स्त्रियों का हरण करने वाले धन के लुटेरे सब हैं, वो दूसरे के यहाँ आकर उंगली उठा रहे हैं। चलिए चूंकि मेरा कर्तव्य है, राजा जनक ने मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया है, मैं अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन करता हूँ और मिलता हूँ चल के श्री रावण जी से, उन्हें अपनी विधा में समझाने का प्रयास करता हूं और फिर जैसी उनकी विधा होगी जैसे समझना चाहेंगे वैसे समझाएंगे। हेलो लग हाँ भी और ध्यान दे, ये 50 रुपए बालकिशन यादव भाई साहब ने दिए हैं दशानंद लंकेश जी के नाम पे। जय श्री राम। लंकाधिपति श्री रावण जी, ये बलिपुत्र बाण मिथिला में आपका स्वागत करता है, चूंकि आप ब्राह्मण हैं और उत्तम कुल के हैं, पुलस्त्य के नाती हैं और दूसरे उससे हमारे मानकोट में भी आते हैं, हमारे बुआ की बिटिया बज्रज्वला इनके भाई कुंभकर्ण को ब्याही है, इस रिश्ते से मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार स्वागत है, धन्यवाद, वंदन है, शुभ आशीष।
आपके तो आपकी घोषणा या आपकी प्रस्तुति को सुना अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी होती तो सामने तन के प्रत्युत्तर के लिए ना आता, गले मिलता और बैठता। स्वागत है। प्रथम तो मैं आपकी उस प्रस्तुति का उत्तर दे दूं जो आपने कहा था। अब जो भी रहनुमा हो, क्या कहा था, जो रहनुमा थे वो शिकारी हो गए ना। परिस्थितियां बदला करती हैं। जो शिकारी थे वो रहनुमा हो गए, जो शिकारी थे वो रहनुमा हो गए, कातिलों के दिल आसिया हो गए। धन हरण करना जिनके जीवन का अभिप्राय था, वाल्मीकि जी, धन हरण करना जिनके जीवन का अभिप्राय था, वो धन के लुटेरे भी महात्मा हो गए। कैसे? जो शिकारी थे हमारे पर बाबा प्रहलाद दैत्यवंशी, उन्होंने बिल्ली के बच्चों को कुम्हार के आवे में जलते हुए देखा, उनका हृदय द्रवित हो गया। जो शिकारी थे वो रहनुमा हो गए, विनती की, उन्हें आना पड़ा बिल्ली के बच्चों को निकालने के लिए। दूसरी बात, कातिलों के दिल आसिया हो गए। सोचा कुछ नया लेकर के आया हूं तो नया देकर के जाऊं, इसलिए समझाने का पूर्ण परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं। कातिलों के दिल आसिया हो गए। कैसे हो गए? एक बार माता अदिति के गर्भ में जब भाई अदिति के यहां सब दैत्य ही पैदा होते थे, दिति के यहां सब दैत्य पैदा होते थे, उन्होंने सोचा हम भी एक कोई देवताओं के तुल्य संतान उत्पन्न करें। जब उत्पन्न करने की बात आई, उनके गर्भ में जो पुत्र था इंद्र आए, बोले हम आपकी रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे। इस बहाने इंद्र ने क्या किया, एक दिन माता को निद्रा आ गई, इंद्र ने उस गर्भ में पल रहे बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए, और 7 टुकड़ों से भी जब मन नहीं भरा तो 1 के 7 अर्थात 7 7 49 टुकड़े कर दिए। जब 49 टुकड़े हो गए, माता की निद्रा खुली, माता को क्रोध आया। जब माता को क्रोध आया तो इंद्र ने स्वयं उन्हें देव तुल्य बना दिया, मरुत 49 हो गए। तो जो कातिलों के दिल आसिया हो गए, और वाल्मीकि का प्रसंग तो हम बता ही चुके हैं। आपने कहा, अब आते हैं आपकी धारा में। आपने कहा कि जब जब सृष्टि पर समस्या आई तो समस्या का निराकरण 2 माध्यम से। यदि ब्राह्मणों ने समस्या का निराकरण किया तो शास्त्र के माध्यम से, यदि क्षत्रियों ने समस्या का निराकरण किया तो शस्त्र के माध्यम से। प्रथम तो कह दूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज भी क्षत्रिय शस्त्र के माध्यम से शस्त्र की समस्या का निराकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और रही बात ब्राह्मणों की, रावण जी, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि ब्राह्मणों को भी शस्त्र उठाने पड़ते हैं शस्त्र की समस्या का समाधान करने के लिए, और ब्राह्मणों को दूसरा माध्यम अपनाना पड़ता है। जैसे त्वष्टा विश्वकर्मा, जब उनके पुत्र विश्वरूप का इंद्र के द्वारा वध कर दिया गया तो क्रोध में आकर शास्त्रों का सहारा तो लिया उन्होंने, किंतु किया क्या? क्रोध और भावावेश में आकर किए गए कार्य सदैव अनिष्टकारी होते हैं। वृत्रासुर नाम का दैत्य पैदा कर दिया, वृत्रासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। जब वृत्रासुर उत्पन्न हुआ तो वृत्रासुर ने किया क्या? सृष्टि की समस्या बढ़ाई की, सृष्टि की समस्या कम की, प्रतिदिन एक एक व्रत बढ़ने लगा, पूरी पृथ्वी को आच्छादित करने लगा। सृष्टि की समस्या बढ़ गई, शास्त्रों का प्रयोग तो किया समस्या का निराकरण करने के लिए, किंतु हुआ क्या, सृष्टि की समस्या कम होने के बजाय बढ़ गई। अल्प विराम के साथ चाहता हूँ आगे की बात। शुरुआत वहीं से करता हूँ जहाँ से आप शुरू, आप जैसे लोगों से अपेक्षा यही है। आपने कहा कि स्वयं के यदि आचरण अच्छे हो तो वो दूसरे पर टीका टिप्पणी करे, तो रावण
और क्या जनक समान है ना? रावण है दुष्टात्मा और जनक का है पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, योगी, अयोगी कर का रहा है, है? क्षत्रिय हो करके अपना क्षत्रित्व ही समाप्त किए दे रहा है। भाई क्षत्रियों के हाथों की शोभा है अस्त्र और शस्त्र, और राजा जनक कर क्या रहा है? अपने हाथों की शोभा अर्थात जिसके कारण क्षत्रिय जाने जाते हैं उसी को समाप्त किए दे रहा है। तो रावण और जनक में बस यही अंतर है। रावण यदि विरोध कर रहा है, आपने एक और उदाहरण लिया, बोले तुष्टा ने शास्त्र का तो सहारा लिया लेकिन अनुचित हो गया। वृत्तासुर नामक एक दैत्य उत्पन्न, विश्वरूप एक बार जब बृहस्पति देव नाराज होकर के चले गए तो गुरुपद रिक्त हो गया, तो विश्वरूप को गुरुपद पर प्रतिष्ठित किया गया अस्थाई रूप से कि जब तक बृहस्पति जी नहीं आते हैं तब तक आप इस पद का भार ग्रहण करेंगे और जब बृहस्पति जी आ जाएंगे तो आपको उस पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी के द्वारा ये सारी बात इंद्र को बताई गई कि तुम एक काम करो, तुष्टा का पुत्र जो विश्वरूप है उसे इस गुरुपद पर प्रतिष्ठित कर दो। मैं जानना यह चाहता हूं विश्वरूप के द्वारा अनुचित क्या किया जा रहा था जो उसका वध कर दिया। भाई विश्वरूप जो गुरुपद पर था, गुरुपद की मर्यादा को निभा रहा था, विश्वरूप के तीन मुख थे, एक मुख से वो एक एक क्षण हाँ समाज को पूरी बात बताई जाए तभी तो हमने समाज को पर लगाया है। वही कह रहे हैं अगर सब कुछ रावण बताएगा तो बाड़ा सुरखा करेगा। नहीं नहीं समाज यही इन जैसे लोगों की यही नीतियां हैं, समाज को बरगला लेते हैं ना? समाज को इन जैसे लोग बरगला लेते हैं और जैसे बहुत से ऐसे महात्मा धर्मात्मा जैसे बैठे हैं जो समाज को मोह करके बरगला लेते हैं और उनसे उल्टा सीधा करवाते हैं, यही छल पर किया करते हैं इसे चेतने। हाँ सामान्य ढंग से मैंने समझाया है, आज तक तुम्हें कोई समझाने वाला मिला ना हो। तुम्हें तो अच्छी तरह समझा ले, तुम उसकी चिंता न करो। देखिए जैसे कि इन्होंने बात की, एक नई बात आ गई दिमाग में, ऐसे लोग एक पाखंड शब्द सुना होगा सबने। पाखंड होता क्या है? पाप, पाखंड है क्या? पापाए खंडाए चा, जो पाप जैसे भगवा वस्त्र है या दाढ़ी वगैरह है, ये अगर सृष्टि के कल्याण के लिए धारण किए जाए तो पुण्य है, और यदि सृष्टि के कल्याण के लिए ना धारण करके रुको, बड़बड़ाओ नहीं, चिंता न करो, सब बढ़िया मिलेगा। अगर सृष्टि के कल्याण के अलावा यदि निज कार्य हेतु, अपने स्वार्थ हेतु, अपने किसी विशेष कार्य हेतु धारण किए जाते हैं तो ये कमंडल, ये लाल वस्त्र, ये पाखंड बन जाते हैं। और ऐसे ही लोगों ने, ऐसे लोगों ने इस तरह के वस्त्रों को, इस तरह के मर्यादाओं को पाखंड में परिवर्तित करके बदनाम कर दिया। पूरी बात बताइए, देखिए देवताओं ने क्या किया? जब बृहस्पति दुष्ट होकर चले गए तो देवताओं को यज्ञ का भाग मिलना बंद हो गया, देवता क्षण होने लगे, कमजोर होने लगे। तब उन्हें एक माध्यम मिला कि तुष्टा के पुत्र विश्वरूप से यज्ञ हवन करवाया जाए तो देवता पुष्ट होंगे। किसने करवाया? फिर वो गए तुष्टा के पुत्र विश्वरूप के अनुनय विनय की, उनको गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और वो यज्ञ हवन कर रहे थे। यज्ञ हवन करने के साथ साथ रावण जी ने नहीं बताया, वो एक छल भी कर रहे थे। एक बात बताइए,
अगर हम किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए नियुक्त करें, वो हमारा कार्य ना करके दूसरे देश का कार्य करें, तब क्या होगा? ये विश्व रूप कर क्या रहे थे? एक मुख से हव्य अर्थात देवताओं को आहुति दे रहे थे, और देवता विरोध किससे करते हैं? दैत्यों से। दूसरे मुख से दैत्यों को कब्य दे रहे थे, तो क्या उचित कर रहे थे? देवताओं ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, ये यदि वो कार्य ना करके दूसरे का भी हित करें, इसका मतलब देश द्रोह हुआ। ये देश द्रोह हुआ। यदि राजा अपने कार्य के लिए किसी को नियुक्त करे, वो दूसरे का भी कार्य करे, अपने बलवान होने का प्रयत्न करे, वो शत्रु को भी बलवान करे, क्या ये देश द्रोह है कि नहीं है? देश द्रोह है। गरम गरम ये नहीं, गरम गरम ये देश द्रोह है। तो यहाँ पर विश्व रूप का वध इंद्र ने कर दिया, क्या बुरा? अब चाहता हूँ आगे की वार्ता। चलो ठीक, ये देश द्रोह है, ठीक है, कसम तुम्हें है। तो फिर देश द्रोह का कार्य शुक्राचार्य ने भी किया है, बृहस्पति के पुत्र कच्छ। ऐसा हिसाब से बोला रावण जी ने, बता रहे जो ये जो इस तरह की वार्ता हिसाब ही चूना रखा जा रहा। नहीं देख चू क्या हमें धोखे, जब तुम्हारे दिशा लोग लिए चलते हैं ना, तो घी पी के चलते हैं। तभी घी पी बच गजाओ ना। हाँ तुम का पी के आओ, हम कहीं तो रहे कि बीच में बच गजाओ ना। सुनो, बृहस्पति का पुत्र देवताओं के यहां से है, और शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु। अब कार्य क्या कर रहा है? कच्छ को शिक्षा दे रहा है, और शिक्षा में दे क्या रहा है? मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा है। मर जाओ चुंजो भर पानी में, पहिए शीश काटो जाके उसका। देवताओं का पद चाहिए के खड़े हो। भाई बात विश्वरूप की, विश्वरूप ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। गुरु का कार्य होता है, गुरु का अर्थ क्या? कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ये जाए, वही है गुरु। क्या अनुचित कर रहा था? है एक पिता की दो संतानें हैं, देव और दैत्य, दोनों को समान भाव से भोजन दे रहा था, क्या अनुचित कर रहा था? और गुरु का कार्य ही है सभी को समान भाव से देखे, उसमें अनुचित क्या कर रहा है? और अगर विश्वरूप अनुचित कर रहा है, तो फिर अनुचित शुक्राचार्य के द्वारा भी किया गया है, भले वहां पर स्थिति कोई भी। अगर विश्वरूप के साथ अनुचित किया गया, यदि विश्वरूप ने देवताओं के साथ छल किया, तो फिर छल शुक्राचार्य ने भी दैत्यों के साथ किया, अल्प विराम के साथ आपकी यात्रा। दस दस ऐसे धारण किए हो, एकों का दिमाग लगा लेते, तभी हम एकों का दिमाग लगा लेते। सुनो अब रुक जा।